फ्रेंड्स, चलिए आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं एक रिटर्न पार्सल से। ये पार्सल पोस्ट ऑफिस से रिटर्न होके आया है। देखिए पार्सल का हालत क्या कर दिया है, और इसी एड्रेस पे बहुत बार ये पार्सल जा चुका है, लेकिन इस बार कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया तो पार्सल रिटर्न हो गया है। शायद पोस्टमैन ने घर नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन ये जो कस्टमर को फ़ोन करते हैं, ये इंडियन पोस्टल सर्विस में फ़ोन करने का कोई रूल्स नहीं है। तो पोस्टमैन अपने हिसाब से अपने फ़ोन से, पर्सनल फ़ोन से फ़ोन करते हैं। तो इस पार्सल को हम आज ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पार्सल का हालत कैसा होता है। ये जो हमने सजा धजा के इस तरह से पार्सल रेडी किया है, तो उस पार्सल का हालत वो लोग क्या कर देते हैं। लेकिन ये पार्सल का हालत होने में हमारी कोई भी हाथ नहीं होता है। तो मेरी चैनल का पार्सल लेके बहुत सारे चैनल ने वीडियो बनाया है, और वो वीडियो सुबह से मेरे पास 15 से 16 मेरी कस्टमर ने, मेरे व्यूवर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे पास शेयर किया है कि देखिए ये क्या बोल रहा है। तो मैंने उन चैनल की जो ओनर है उनको मैंने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मुझे उनको सेल नहीं करना है। उनको हर वक्त प्रॉब्लम होता है और वो यही चाहता है कि उनका चैनल पॉपुलर हो। मैं बता दूँ, वो मुझसे बहुत बार पूछ चुकी है कि मेरे चैनल में व्यू नहीं आ रहा है, कैसे व्यू लाऊं और मेरे चैनल को कैसे ग्रो करूं, मेरी सभी पे येलो डॉलर आ रहा है, क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारा हेल्प मैंने उनको किया। मोनेटाइजेशन में भी हमने हेल्प किया था उनको, मतलब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, जितना जानकारी मुझे था मैंने उनको बोल के हेल्प किया था, यही बात है। तो आज उन्होंने मेरे पीठ में छोड़ी भोंकना शुरू कर दिया और झूठ मूठ का बोल रहा है कि मेरे क्ले पॉट गंदा है। क्ले पॉट हम इस तरह से पैकिंग करते हैं, कहाँ पे रखते हैं आप लोग देख लीजिए। पैकिंग से पहले तो वो ढक के रखा जाता है, और पैकिंग के टाइम पे देखिए किस तरह के रखते हैं। इससे ज़्यादा सफाई हमसे नहीं आता है, तो जाने दीजिए उनके, और उनको इम्पोर्टेंस नहीं देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है 1 kg आई पॉट देख लीजिए, इस तरह से स्टॉक है। थोड़े मोटे में हमने पॉट बनाया है। ये है आई पॉट, उसके साथ पंजाब की मिट्टी का थोड़ा सा ब्रोकन सैंपल, और ये है नाकुमट वाला रोटी। ये थोड़ा डस्टी है, वेफर्स जैसे क्रंची है अंदर से पका हुआ, लेकिन एकदम बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है ये। ये हमारे पास फुल स्मोकी में भी है, लेकिन स्मोकी कम है। यहाँ पे एक 2 kg पार्सल है। ये 2 kg वो ऑफ़र वाला पार्सल है जो 340 रुपीज़ में, उसके साथ उन्होंने कहा था अपने मन से सैंपल दीजिए, मैंने नाकुमट दे दिया सैंपल। ये 2 kg पार्सल है, इसमें आप देख सकते हैं स्लेट पेंसिल सॉसर है, रोल है, देख लीजिए। ये है 340, ये ऑफ़र ख़त्म, अभी कोई ऑफ़र नहीं है। ये कस्टमाइज पार्सल है, इन्होंने सभी पॉट अपने हिसाब से कितना चाहिए क्या चाहिए बोल के 1 kg करके ये पार्सल लिया है। यहाँ पे एक पार्सल है जो पार्सल 4 kg का है, मैं बता दूँ, और इसमें उन्होंने स्मोकी बट मेल्ट होने वाला, नॉन मेल्ट नहीं, मेल्ट होने वाला ऐसा स्टॉक मिला के लिया है, और ब्लैक स्लेट स्टोन सॉफ्ट में 1 kg लिया है। अगर ब्लैक स्लेट स्टोन किसी को लग रहा है कि ये ज़्यादा ब्लैक नहीं है, आप इसको पानी में डाल के भी देख सकते हैं, ये फुल्ली ब्लैक स्टोन है। और यहाँ पे देखिए ये है वाइट, और यहाँ पे देखिए ये है वाइट स्टोन्स जो एकदम फुल सॉफ्ट में है। मैंने उनको सॉफ्ट देख देख के दिया है, एकदम प्योर सॉफ्ट, कोई भी हार्ड नहीं दिया है। और यहाँ पे है हाफ रोस्टेड नाकुमट, और उन्होंने मेल्ट होने वाला स्टॉक मांगा था, तो मैंने ये रस्सी रोल दिया है उनको, कुछ 2-4 पीस यहाँ पे ऐसा है कि ये मेल्ट हो जाए, कच्चे मिट्टी में है, बाकी पका हुआ है, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मैं आपको पहले दूसरा पार्सल दिखाती हूँ। यहाँ पे जो पार्सल है, ये पार्सल देख लीजिए, ये है 1 kg कोलकाता क्ले पॉट, इसमें कच्चे मिट्टी जैसा उन्होंने मांगा है, एकदम ये पानी में डालने से तुरंत मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई भी आप शेप, और ये बिना बबल्स के उन्होंने लिया है, और मैंने ही सजेस्ट किया था कि आप बिना बबल्स के लीजिए, क्योंकि ये कुछ भी नहीं बचेगा। और फ्रेंड्स, हम मिट्टी में बहुत, जो चैनल हमारी बदनामी कर रहे हैं, मैं उनका फुटेज नहीं दूंगी उनको, और तो मैं बता दूं, उनको मैंने रॉ मिट्टी भी सेल किया था, जिससे उन्होंने बहुत सारे नए नए क्ले पॉट रोटी ये सब बना के वीडियो भी डाला था। तो तब मैंने सिर्फ उनको ही मिट्टी, रॉ मिट्टी सेल किया था। अभी अगर किसी को लगता है कि वो अपने घर पे, जिन लोगों का चैनल है उनको ही अच्छा लगेगा, रॉ मिट्टी ले सकते हैं, मतलब एकदम प्योर रॉ मिट्टी,
वो थोड़ा ड्राई करके हमें भेजना पड़ेगा, क्योंकि पूरा गीला होगा तो इंडियन पोस्ट में नहीं जाएगा। तो रॉ मिट्टी हम आपको कोशिश करेंगे इस बीच में ला के दिखाने की, तो वो रॉ मिट्टी मैं आपको दूंगी। आप चाहे तो घर पे अपने हिसाब से कुछ बना भी सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए हमने बहुत सारी जगह पे रॉ मिट्टी भेजा है, लेकिन प्राइवेट से, तो इंडियन पोस्ट में भेजा जा सकता है नहीं। कैसे वो जानकारी मैं पहले ले लेती हूँ, फिर आपको रॉ मिट्टी मतलब जिस मिट्टी से ये बर्तन बनते हैं वो मिट्टी एकदम पूरा प्योर ग्रिट फ्री करके मैं आपको भेजूँगी। तो चलिए वो स्टॉक मैं लाऊँगी, उसके बाद बात करेंगे। मरिया पे है 1 kg कोलकाता क्ले पॉट क्रंची में, उसके साथ एक फुल स्मोकी में उन्होंने सैंपल लिया है, ये विदाउट बबल्स 170। यहाँ पे जो पार्सल आप देख रहे हैं ये कस्टमाइज पार्सल है, आप अपना पार्सल देख लीजिए। इन्होंने पहली बार मुझसे लिया है, तो नाकुमट वाला ग्लास नहीं, मैंने आपको नाकुमट वाला रोटी दिया है, सेम टेक्सचर है। स्लेट पेंसिल वाला ये सॉसर दिया है, उन्होंने कच्चे मिट्टी में भी मांगा था, ये कच्चे मिट्टी का है। और बाकी सभी टाइनी है, जो उन्होंने कहा था पानी में मेल्ट हो जाए ऐसा स्टॉक भी दीजिएगा। तो ये जो टाइनीस्ट पॉट आप देख रहे हैं, देख लीजिए ये टाइनीस्ट पॉट हाफ बेक है, लेकिन ये मेल्ट होने वाला स्टॉक है। ये पानी में डालते ही तुरंत मेल्ट नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ये हमारे पास स्टॉक बहुत अच्छे से अवेलेबल है। यहाँ पे एक पार्सल है, इन्होंने सभी छोटे लिया है, और देखिए इन्होंने भी कहा है कि उनको प्रॉब्लम है हार्ड क्रंच करने में, तो उनको ये सॉफ्ट में चाहिए। ये जो टाइनी ग्लास आप देख रहे हैं हाफ बेक्ड है, लेकिन इसको अगर आप पानी में डालेंगे थोड़ी देर और मसलेंगे तो ये मिट्टी छोड़ना शुरू करेगा। यहाँ पे एक 5 kg पार्सल है, जिसमें 4 kg क्ले पॉट है, नॉन स्मोकी क्रंची वाला। इसमें देखिए रोटी है, सॉसर है, ग्लास है, टाइनी ग्लास है, रोल है, रोल यहाँ पे भी है, टेबल पॉट है, चिल्लम है, रस्सी है, अंदर है। और 1 kg उन्होंने स्लेट आइटम लिया है, और पंजाब की मिट्टी एज ए सैंपल। ये 700 वाला पार्सल 5 kg वाला, ये ऑफ़र अभी ख़त्म हो गया है, ये ऑफ़र अब नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको जो पार्सल हम दिखाने वाले थे वो हम खोल रहे हैं, ऑलरेडी खोल चुके हैं हम। और उसको देखिए यहाँ पे बबल्स, ऐसे बबल्स पैकिंग करके उन्होंने लिया था, और मैंने कहा था कि उनको मैं फ़ोटो भेजूँगी पार्सल रिटर्न होने के बाद कैसे आया है। मैं इस बबल्स को एक बार खोल लेती हूँ। ये देखिए पार्सल ऊपर से हमने खोल लिया है इसको, और इसको हटा के हम आपको दिखाते हैं पार्सल का हालत क्या क्या है। देखिए पार्सल हमने खोल लिया है, और अभी इस पैकेट को ओपन करेंगे। पूरा तो तोड़ दिया है, दिख रहा है हमें। तो पार्सल इंडियन पोस्ट में हमारा क्ले पॉट जाते वक्त क्या होता है हाल देखिए। ओ ये एकदम सही है, बहुत सारा इसमें टूट गया है, कुछ तो सही है। देखिए यहाँ पे टेबल पॉट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ चला गया है, पानी पी जैसा हो गया है। ये देखिए सब टूट गया है। उनको मैंने कहा है कि मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी। ये देखिए एकदम सॉफ्ट में है, ये इसीलिए टूटा है। देखिए साउंड नहीं आ रहा है, इतना सॉफ्ट है। और यहाँ पे भी एक उनका है, ये भी पूरा देखिए पूरा तोड़ दिया है। किसको दोष दे, किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। मैं इसको खोलती हूँ। हाँ ये देखिए लंबे गले वाले पॉट है, ये टेबल पॉट सही है। और बाकी देखिए रोटी वगैरह सब टूट गया। अभी कस्टमर इसी पार्सल को ओपन करके दिखा के बोलते हैं अरे आपने सब भूसा भेजा है। लेकिन आपको भी मालूम है, जो लोग देखिए एक बात सही है, जिनको लगता है कि क्ले पॉट एकदम सही सलामत जाएगा उनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्ले पॉट सॉफ्ट होता है, लोकल मार्केट से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो पार्सल टूट जाता है। देखिए ये उनका पार्सल है, उनको मुझे वीडियो भेजना पड़ेगा, उसके बाद उनको दिखाएंगे कितना क्या है। चलिए मैं दूसरा पार्सल दिखाती हूँ। ये जो पार्सल है आप लोग देख लीजिए, इन्होंने सभी फुल स्मोकी में, जैसे स्लेट सॉसर, रस्सी, रोल, और इन्होंने मेल्टेड, मतलब इन्होंने जो प्रॉब्लम मेरे साथ होती है ना, सभी का लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, मतलब मुझे तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सब नहीं आता है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी लैंग्वेज में मुझे समझाया कि मेल्टेड क्ले पॉट चाहिए। तो स्मोकी में मेल्टेड क्ले पॉट यही है,
कोलकाता क्ले पॉट, रस्सी रोल और स्लेट सॉसर है और नाकुमट वाला ग्लास भी है। तो इनको मैंने यही दिया है 2 kg, ये 320 में है। ये पार्सल अगर किसी को चाहिए प्लीज़ काइंडली आप लोग देख लीजिए कौन सी चीज़ हम 320 में बोल रहे हैं। अगर ये पार्सल किसी को चाहिए 320 में स्मोकी मेल्टेड मिल जाएगा आज भी। यहाँ पे है 5 kg कोलकाता क्ले पॉट, थिक वाले मोटे लेकिन बहुत ही सॉफ्ट, इनको सॉफ्ट पसंद है, टूटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है इनका पॉट। ये क्ले पॉट जिस मिट्टी से बनता है वो मिट्टी रॉ हम ला रहे हैं और इसको किस तरह से भेजेंगे सब हम वीडियो बना के आप लोगों को बोलेंगे। लेकिन आप लोग अगर इसको लेना चाहते हैं रॉ मिट्टी तो प्लीज़ मेरी कमेंट सेक्शन खुला रहेगा। मैंने सोचा था बंद कर दूंगी लेकिन नहीं, सभी के लिए खुला रहना ही है, दो चार लोग तो भूखेंगे ही, तो बाकी को लिए सभी के लिए कमेंट सेक्शन खुला है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए वो मिट्टी आपको चाहिए या नहीं, तो हम उसको अपने स्टॉक में लाएंगे। स्टॉक में लाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले आएंगे। और ये 5 kg कोलकाता क्ले पॉट है उनका, उसके साथ उनका ये यहाँ पे 6 kg है जिसमें रॉ क्ले, मतलब एकदम ये मेल्टेड मेल्ट हो जाएगा रॉ क्ले पॉट मोटे में। और यहाँ पे है ये जो अंदर देख रहे हैं कि इसको वजन के लिए डाला गया है। और यहाँ पे है वाइट एकदम सॉफ्ट स्लेट बार, देख लीजिए बहुत ही सॉफ्ट है ये। और यहाँ पे है वाइट स्टोन स्क्वायर वाला, ये भी सॉफ्ट है। और रॉ क्ले पॉट मतलब एकदम कच्चे मिट्टी जैसा, ये है आई पॉट है, सॉसर है, स्लेट पेंसिल सॉसर है ये। और यहाँ पे है स्लेट पेंसिल सॉसर और नाकुमर ग्लास मोकी रॉन्सू, ये पूरा 6 kg और वहाँ पे 5 kg कोलकाता क्ले पॉट। इनके साथ इनका ये सैंपल है देख लीजिए। और ये जो गुजिया है, गुजिया उन्होंने मांगा था लेकिन गुजिया हमारे पास कच्चे मिट्टी में था तो मैंने दे दिया है। गुजिया अभी बना नहीं रहे हैं, न्यू स्टॉक बन रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो तो ही मैं ला दूँगी और आप लोगों को देंगे, ठीक है। और आज आप लोगों को मतलब ये कच्चे मिट्टी में 2 kg अगर किसी को चाहिए 320 में मिल जाएगा, वही स्टॉक रहेगा। यहाँ पे एक पार्सल है 5 kg 700 वाला, नाकुमट है, रोल रस्सी स्मोकी 2 kg है, स्लेट आइटम है 1 kg और पंजाब की मिट्टी 1 kg ये, और उसके साथ नाकुमट पॉट ऐसे सैंपल है। तो ये भी 5 kg 700 में, लेकिन 5 kg 700 वाला ऑफ़र प्लीज़ ख़त्म हो चुका है, अभी तो कोई ऑफ़र हमारे हाथ में नहीं है। अगर कुछ ऑफ़र होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों को बताएंगे, अभी दिमाग में कुछ नहीं है। तो ये है आपका पार्सल, चल सब देख लिया है आपने। और बहुत सारा पार्सल यहाँ पे ऐसे है, सो पैकिंग होगा धीरे धीरे और डिस्पैच होना होता शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।